नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्थान में एक बोर्ड है RES, MES, SB, इन दोनों बोर्ड के द्वारा जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पोस्टें आई हैं। जैसे कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा AAO के लिए अर्थात असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 115 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी पोस्ट मांगी गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो अभी BSc AG फोर्थ ईयर में हैं। अभी उनका उन्होंने फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन अभी वो पास आउट नहीं हुए हैं, लेकिन वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। वो हम दिखाते हैं कि कैसे एलिजिबल हैं। सबसे पहले ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो है फर्स्ट टाइम 1926 में हुए थे, 1926 में फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी। और ये आपका AAO का जो पोस्ट है अर्थात असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसमें टोटल पोस्टों की संख्या 115 है, जिसमें सामान्य के लिए 42, ये आपका टोटल सीट वाइज अनरिजर्व हुआ, SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, सबके लिए इन्होंने कैटेगरी वाइज सीटें आरक्षित की हैं। उसके बाद ये आरक्षण है, अधिकतम आयुदेय में इन्होंने कुछ छूट दिया है। जो आपको देखना है इसमें सबसे मेन बात ये है कि शैक्षणिक अर्हता ये जो कह रहा है, ये देखिए यहाँ सीधी सी बात है यहाँ कि उक्त पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो, अर्थात जो भी स्टूडेंट वो BSc AG फोर्थ ईयर में या तो सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित होने वाला है, लेकिन वो पात्र कब माना जाएगा कि वो साक्षात्कार, AAO का जो पोस्ट है वो साक्षात्कार अर्थात डायरेक्ट इंटरव्यू पे होना है। तो इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू अर्थात फर्स्ट डेट ऑफ इंटरव्यू के पहले अगर कोई भी एलिजिबिलिटी जो रिक्वायर्ड है अगर वो पास कर जाता अर्थात वो BSc AG फोर्थ ईयर क्वालिफाई कर जाता है तो वो एलिजिबल मान लिया जाएगा। अभी ये इसमें एक बात ये भी है कि अभी तो जैसा ये इंटरव्यू पे दे रहे हैं, लेकिन अगर फार्मों की संख्या बढ़ जाती है, काफ़ी संख्या में फार्म फिल पड़ते हैं इस पोस्ट के लिए, तो इसमें सबसे पहले जो है स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ये तो उम्मीद है 100% स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा ये आयोग, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जो है पोस्ट काफ़ी कम है और फार्म फिलअप करने वालों की संख्या काफ़ी अधिक रहेगी। और ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकता है, अभी इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जो भी स्टूडेंट हैं अभी फोर्थ ईयर में हैं और वो ICRGR का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो उनको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, उनके पास अभी एलिजिबिलिटी समझ लीजिए हो जाएगी तब तक जून लास्ट जुलाई तक सभी का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद सेकेंड पोस्ट है राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड द्वारा, जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पोस्टों की संख्या काफ़ी है, 1832 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र में इन्होंने डिवाइड किया है। इसमें भी जो पात्रता है वो अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे। इसमें जो फीस है काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 450 रुपये, तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये जो है सामान्य कैटेगरी के लिए, जैसे कि सामान्य महिला के लिए भी 161 सीट रिजर्व है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल सीटें उनकी हर एक कैटेगरी में रिजर्व हैं। उसके बाद जो है इसमें जैसे अभी ये देख रहे हैं बैकलाग, भूतपूर्व सैनिकों की 278 पद जो है वो बैकलाग चले गए हैं, अर्थात जो भी एग्रीकल्चर में भूतपूर्व सैनिक कहाँ मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, तो जो भी ऐसे होंगे उनका तो 100% हो जाना है। और हॉरिजॉन्टल इसमें है, महिलाओं के लिए भी हॉरिजॉन्टल सीटें हैं। उसके बाद इसमें जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी कुछ बेनिफिशियल है। इसका सिलेबस जो है, इसमें जो वेतनमान है ये आपका मैट्रिक्स लेवल 5 है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। एलिजिबिलिटी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में है, भारत के विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि या BSc उद्यान, इसीलिए हम कहते हैं जो भी स्टूडेंट अभी MSc AG करने जाएंगे या BSc AG में नाम लिखाते हैं तो वो BSc AG की जगह वो BSc फॉरेस्ट्री या अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं,
तो उन्हें बीएससी एजी ही प्रिफर करना चाहिए। अगर कॉलेज उनको थोड़ा सा लो मिल जाता है तो वो सही रहेगा, लेकिन वो बीएससी एजी ही कह रहे हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी जो होती है वो मांगता है। उसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 अगर कोई भी है, और अर्थात एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से 10+2 के स्टूडेंट भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें उन्होंने पुरानी योजना, ये राजस्थान की होगी, पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक अर्थात एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट स्टूडेंट भी एलिजिबल यहाँ दे रहे हैं, और देवनागरी लिपि अर्थात जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और राजस्थान की संस्कृत के बारे में तो ये इंटरव्यू होगा तो वहाँ थोड़ा सा प्रिफरेंस दिया जाएगा राजस्थान के जो भी स्टूडेंट रहेंगे। तो उसके लिए राजस्थान के बारे में अगर जीके का भी जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाना है, उसके लिए आपको परीक्षा वाणी की एक हिंदी में बुक आती है, उसमें एक काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब दिया होगा और एक में पतली सी, तो दोनों बुक ले सकते हैं। डिस्क्राइब वाला थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो राजस्थान के बारे में आपको अच्छा नॉलेज उस बुक से होगा। परीक्षा वाणी की बुक है, राजस्थान जीके कह सकते हैं वो, यूपी हुआ, एमपी हुआ, बिहार हुआ, तो परीक्षा वाणी सभी के लिए वो उपलब्ध कराती है। उसके बाद ही परीक्षा जो है ये आपकी ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा वो 5-7 अर्थात अभी ये जुलाई में स्टार्ट होगा और अगस्त तक ये फॉर्म चलेगा 5-7, और ये एग्ज़ाम डेट जो है संभावित डेट जो है सितंबर अक्टूबर है। तो ये ध्यान में रख के आप तैयारी कर लीजिए, सितंबर से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, सितंबर में एग्ज़ाम होगा। और अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको एनओसी लेना होगा, एनओसी तो डिपार्टमेंट से बड़े आराम से मिल जाएगा। उसके अलावा ये सिलेबस जो है, सिलेबस देख लेते हैं, जैसे फोटो साइज हुआ, ये सब आप देख लेंगे कितना जेपीजी होना चाहिए। उसके अलावा आपका फ़ोटो, ये देखिए इसमें अगर आपका फॉर्म जो है फिलअप करते वक्त कोई भी दिक्कत हो जाती है तो संशोधन भी आप कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस जो है सामान्य हिंदी 15 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के लिए आप अरिहंत की बुक आती है, लूसेंट की बुक आएगी, अच्छी बुक है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाएगा। राजस्थान जी के संस्कृत के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक आती है राजस्थान जी के, वो पढ़ लेंगे, 100 नंबर का होगा, अर्थात एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होना है 400 नंबर का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर जिसका भी ये इसमें पास हो जाएगा तो। वैकल्पिक अर्थात मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, टोटल 400 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का ये पूरा पेपर होगा और प्रत्येक क्वेश्चन पे 4 नंबर है जैसा कि ये पहले ही, और एक क्वेश्चन रिडक्शन हो जाएगा, अगर एक नंबर रिडक्शन हो जाएगा अर्थात 1/4 माइनस निगेटिव मार्किंग भी है। तो हालांकि निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा मतलब नहीं रखता जो भी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, और इसके लिए आपकी जो साइट है RSEM SSB, अभी इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है, अभी इसकी डेट आएगी, डेट जो है अभी ऊपर दिया था अगस्त में जो है, जुलाई से अगस्त में इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लीकेशन जो होगा स्टार्ट होगा, तो वहाँ आप जाके इसको फिल कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हैं अभी जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं इंटर एग्रीकल्चर के, जो भी अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं आया है, अधिकतर बोर्ड एग्ज़ाम आ गया होगा, बोर्ड का रिजल्ट, वो भी एलिजिबल हैं, वो भी अपना उन्हें लगता है कि हाँ हम इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर जाते हैं तो वो अपना ये फॉर्म फिलअप करें, और बीएससी एजी स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप करें, काफ़ी ज़्यादा